स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौतम ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का पार्ट 11, जिसका आपको डेली टाइम निर्धारित है 8 AM पे आपको एक वीडियो मिलता है, ठीक है, जो कि वन लाइनर प्रश्नों का भी चल रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे, तो आप लोग पिछले पार्ट जरूर देख लें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। सभी पार्ट आप जरूर देखें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बाकी बातें हम लास्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है शिक्षक के मनोभाव के बारे में। इस टाइम पे क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, तो उसी के साथ सीरीज चल रही है, ठीक है। पिछले पार्ट आप जरूर देख लें सभी, प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट क्रिएट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के नाम से। तो फर्स्ट है आज का कि वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं अज्ञानी हों, ठीक है। जिन शिक्षक को ज्ञान नहीं है वो ही अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़, ठीक है, विनम्र होना चाहिए किंतु दृढ़ होना चाहिए, ठीक है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का उद्देश्य। नेक्स्ट है आपके विचारों से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपके विचार से अच्छे सॉरी शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, ठीक है, परिवर्तनों का स्वागत करना विचार होना चाहिए अच्छे शिक्षक का। नेक्स्ट है अच्छा शिक्षक वही है जो सबके साथ प्रेम व सहानुभूति रखता हो, ठीक है, वही अच्छा शिक्षक माना जाता है। नेक्स्ट है आप शिक्षक होने के नाते साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर किसे साथी चुनेंगे, जो अपने बाह्य स्वरूप पर ध्यान ना देता हो, ठीक है, जो अपने बाह्य स्वरूप पर ध्यान ना देता हो उसे ही साथी चुनेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक होने के कारण विद्यालय की पत्रिका में किस विषय पर लेख लिखना चाहेंगे, विद्यालय में भाईचारे की भावना का छात्रों में विकास, ठीक है। फिर अगला है नेक्स्ट, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा क्या, कि श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना होगा पढ़ाते समय। नेक्स्ट है अध्यापक छात्रों में लोकप्रिय हो जाता है यदि वह छात्रों के सुख दुख और शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता है तो वह लोकप्रिय हो जाते हैं। फिर अगला है आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है, वह है विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, ठीक है, जो भी विषय वस्तु है उसका समुचित ज्ञान होना एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, तो विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे। फिर अगला है आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। फिर नेक्स्ट है अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, त्यागमयी, त्यागमयी उसकी प्रवृत्ति होगी। फिर अगला है शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। नेक्स्ट है वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, ठीक है, जो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। फिर नेक्स्ट है उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके, जो विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके उस शिक्षक को सफल समझना चाहिए। अगला है कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है किस पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट है शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, ठीक है, पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है आपने शिक्षण व्यवसाय इसलिए अपनाया क्योंकि इसमें आपको पढ़ने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है, इसलिए आपने शिक्षण व्यवसाय अपनाया है, पढ़ने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षकों को वेशभूषा आदि बाह्य कारकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर अगला है नेक्स्ट, कक्षक में आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या, नवीन शिक्षण विधियाँ, नवीन शिक्षण विधियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है, विद्यालय में किस वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना पसंद करेंगे? तो गांधी जी और महात्मा बुद्ध वर्ग के। ठीक है, इस तरह से आप तस्वीर टांगना पसंद करेंगे विद्यालय में। नेक्स्ट है, किस प्रकार से के शिक्षक छात्रों से खुश रह करते हैं? जो हर बात बात खुलकर कहते हैं, ठीक है, वो शिक्षक छात्रों से खुश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, परीक्षा की कापियां जांचते समय शिक्षक को उनके लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है, आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कौन सा? निष्पक्ष निर्णय लेने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट है, ऐसे लोगों को शिक्षा में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण यह है कि अधिक ट्यूशन करते हैं, अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है शिक्षक के आत्मविश्वास से। फिर अगला है नेक्स्ट, शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए क्योंकि समाज में उसकी मान मर्यादा होती है। ठीक है, इसलिए शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए। फिर अगला है, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है तो क्या होता है? शिक्षण कार्य आयोजित करना उसका प्रमुख कार्य होता है। फिर अगला है, किसमें सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे आप? जो छात्रों में अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करता है उसे आप सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे। फिर अगला है, एक शिक्षक के रूप में आप किस दायित्व को सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, इसे आप सर्वाधिक पसंद करेंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक से आशा की जाती है उसकी आकांक्षाएं संतुलित हों। ठीक है, यही आशा की जाती है एक शिक्षक से। नेक्स्ट है, छात्र किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार। पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण जो छात्र होते हैं वो शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं। ठीक है, अगर कोई शिक्षक है किसी छात्र के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, किसी के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, इसके कारण जो छात्र होते हैं शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं। ठीक है, वही होता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। फिर एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता हो। ठीक है, वही सफल अध्यापक है जो विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता हो। नेक्स्ट है, आप किसको अच्छा शिक्षक मानते हैं? तो कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति है उसे ही आप शिक्षक मानते हैं। ठीक है, जो शिक्षक है कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट है, आप किस प्रकार के शिक्षकों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते? जो मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं उनके साथ आप संबंध नहीं रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो छात्रों की कठिनाइयाँ दूर करता हो। जो शिक्षक छात्रों की कठिनाइयाँ दूर करता हो वही सबसे गुण महत्वपूर्ण है शिक्षक में। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ये बच्चों के साथ अधिक धैर्य पूर्वक व्यवहार करती हैं। ठीक है, बच्चों के साथ अधिक धैर्य पूर्वक व्यवहार करती हैं इसलिए शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहा था किसने? तो कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने इस कथन को कहा था। ठीक है, फिर अगला है, मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष है तो क्या है? मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक है मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष। फिर अगला है नेक्स्ट, शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं जबकि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकें, तभी आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं। फिर अगला है, एक शिक्षक जो अपने कक्षा शिक्षण में स्नायुविक दुर्बलता दर्शाता है बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है। तो किससे? विश्वास की कमी से पीड़ित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मूल्यांकन का क्षेत्र है क्या? सीमित। मूल्यांकन का क्षेत्र जो है सीमित है। फिर नेक्स्ट है, मूल्यांकन को मापने की विधि क्या है? परिणात्मक विधि व गुणात्मक विधि है। ठीक है, मूल्यांकन को मापने की विधि जो है परिणात्मक विधि व गुणात्मक विधि है। ठीक है, फिर अगला है, मूल्यांकन प्रत्यय है क्या? विस्तृत। मूल्यांकन प्रत्यय क्या है? विस्तृत है। ठीक है,
तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस किए जो कि वन लाइनर थे, इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए मैं डेली आपको शॉर्ट थोड़ा सा वीडियो को मैं शॉर्ट करके बना रहा हूँ जिससे कि आप लास्ट तक देख सकें। अब क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है तो आपको बताना भी ज़रूरी है। वन लाइनर के बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो आप सभी पार्ट ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके चैनल में। और अगर आप नए हैं और आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पे क्लिक करके, और बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अन्य कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो मैसेज करें हमारे WhatsApp ऑफिशियल नंबर 9406515750 में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।